अस्सलाम वालेकुम वर्स, कुकिंग विद शबाना जैदी के चैनल पे आप सब लोगों को वेलकम है। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम आप लोगों को पोटैटो रिंग्स और स्माइल, आप लोगों को एक ही दो से दो चीज़ें बनाना बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको हम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें और कैसे इस्तेमाल करेंगे, रेसिपी आप लोग पूरी वॉच करा करें। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर हमने दो आलू लिए हैं, इसका वज़न आधा किलो है और इसको हमने बॉयल करके छील लिया है। अब हम यहाँ एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और कद्दूकस लेंगे जिससे कि हम आलू ग्रेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। आलू को देखें, हमने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। आलू अच्छी तरीके से गलावा होना चाहिए और इस तरीके से ग्रेटर की मदद से तमाम आलू को ग्रेट करना है। अब इसको हम एक साइड पर रखेंगे। यहाँ पे हमने आधा कप सूजी ली है। अब इस सूजी को हम मिक्सिंग जार में डालकर और इसको पीस लेंगे। सूजी को हमने ये बारीक पीस लिया है और हमने 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन लेना है। मक्खन को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और मक्खन को हमने लो आंच पर हमने गर्म करना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे वरना मक्खन जल जाता है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। आधा चम्मच हम कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्चें, आधा चम्मच नमक डालेंगे। थोड़ा सा इसे हम पकाएंगे। आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे। सूजी जो हमने पीसी थी वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हमने लो टू मीडियम आंच पर पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना हमने इसे। सूजी देखें अच्छी तरीके से पक गई है और इसमें मैंने मक्खन का इस्तेमाल करा है। आप लोग इसमें घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मक्खन इसलिए डाला कि इससे जायका बहुत अच्छा बनता है। पानी आपने आधा कप ही डालना है और ये देखें बहुत ही अच्छी हमारी सूजी पक गई है। अब इसके अंदर हम आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू डालकर भी हम इसे पकाएंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और इसमें भी जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है आलूओं में वो भी ख़त्म हो जाए। लो आंच पर हमने ये काम करना है, ज़्यादा हाई आंच नहीं करनी है आप लोगों ने। फ्लेम हमने लो रखना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सूजी और आलू ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और जितना भी आलू में मॉइस्चर वो भी ख़त्म हो गया है और ये पैन भी इसने हमारा छोड़ दिया है। ये देखें इकट्ठा हो रहा है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखें अब मैं इसे चूल्हे से उतार लेती हूँ। ये मिक्सर हमने निकाल लिया और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इसे, हमने अब इस तरीके से मसलना है। बहुत अच्छी तरीके से हम इसे मसल लेंगे। ये देखें ठंडा हो गया, मगर ज़्यादा ठंडा नहीं करना इसे। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। बाइंडिंग के लिए हमने सूजी डाली थी, क्रिस्पी के लिए हमने इसमें 2 चम्मच इस तरीके से भर के कॉर्नफ्लावर डालना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से हमारे ये पोटैटो रिंग्स बनेंगे। ये देखें जब डो हमारी इस तरीके से इकट्ठी हो जाए तो समझ लें कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। अब हम इसको बेलेंगे और इसके रिंग बनाएंगे। इसे हम रखेंगे नहीं, बस इसी तरीके से हम इसके पेड़ा निकालेंगे और इसको बेल कर इसके रिंग बनाते हैं। पेड़ा लिया हमने, इसको इस तरीके से हाथों की मदद से बढ़ाएंगे।
और फिर रोलिंग पिन से इसको बड़ा करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं करना है, इसको थोड़ा मोटा ही रखना है। ये देखें, इसको हमने यहाँ पे बेल दिया है। ज़्यादा हमने थिन नहीं करना, थिक रखना है। और ये मैंने दो कुकी कटर्स लिए हैं जिससे कि हम इसके रिंग बनाएंगे। पहले हम इसको इस तरह से कट करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने इसे कटिंग कर लिया है। और जो इसका एक्स्ट्रा है वो हम इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। फिर जो इसके रिंग हैं वो हम इस तरह से, ये देखें, ये बनाएंगे। और फिर बहुत ही नरम हाथों से हमने इन्हें उठाना है। ये पूरा हम उठाएंगे इस तरह से। और फिर इसका ये जो अंदर का पार्ट है, आप इसे भी बना सकते हैं, मगर अब हमने रिंग बनाने हैं। तो ये देखें, ये हमने इसे ऑयल में डिप करना है। और ये देखें, इस तरीके से जब ये एक तरफ से सेट हो जाए तो फिर हम इसे पलटेंगे। बहुत ही ध्यान से हमने ये काम करना है। इसी तरीके से हमने दूसरा भी इस तरह से उठाना है। और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक साइड से जब हो जाए तो फिर हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। इस तरह के हम इन्हें निकाल लेंगे। देखें, किसी भी स्टिक से इसकी स्टिक से आइस बनाएंगे और चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से हम स्माइल बनाएंगे इसकी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा, कोई भी आपके पास स्टिक हो उससे आप इस तरीके से इसको बनाएं, तरीके से आराम से हाथों इस तरीके से हम, ये देखें, इस तरीके से हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ हम ये जो हम स्माइल बनाएंगे वो डालेंगे। रिंग इस तरीके से हम इन्हें इधर निकालते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ और दोस्तों के साथ। कमेंट्स करा करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लग रही है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।